शासन ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जिले में 2 थानों का निर्माण कराया है। नए थानों के निर्माण होने से यहां पहुंचने वाले फरियादियों को समय से न्याय मिलने के साथ साथ अपराध पर भी पूरी तरह अंकुश लगेगा। पहले फरियादियों को न्याय पाने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती थी, अब लोगों को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जो भी फरियादी गीडा थाने पर पहुंचेगा उसे न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें, एडीजी रेंज जयनारायण सिंह ने पिपरौली में निर्मित गीडा थाना का उद्घाटन करते हुए बतौर मुख्य अतिथि उक्त बातें लोगों को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि गीडा थाना अब अस्तित्व में आ चुका है और यहां मुकदमे भी दर्ज होंगे। नए थाने के जो जमीन चिन्हित की गई है उस जमीन पर कार्यदायी संस्था द्वारा 1 माह के भीतर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। शासन द्वारा नए थाने के निर्माण के लिए धन भी अवमुक्त हो चुका है। औद्योगिक क्षेत्र होने से इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। थाने के खुल जाने से गीडा में होने वाले अपराध पर भी अंकुश लगेगा। सीओ सर्किल के लिए भी शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। शासन के आदेश के बाद जल्द ही सीओ सर्किल की स्थापना की जाएगी। साथ ही गीडा थाना पहुंचे एडीजी ने थाना कार्यालय, बंदीगृह, पुलिस बैरक, आरक्षी आवास, शौचालय और मेस का निरीक्षण किया और फीता काटकर गीडा थाने का उद्घाटन किया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि गीडा थाना पहुंचने वाले फरियादियों को अब अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, यहां पहुंचने वाले सभी फरियादियों को न्याय मिलेगा। इस अवसर पर सीओ गीडा संजीव रंजन, सहायक पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, सीओ कैंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह, बीडीओ पिपरौली डॉक्टर सीएस कुशवाहा, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर एनके राय, इंस्पेक्टर गीडा दिलीप कुमार सिंह, एसओ सजनवा दिनेश कुमार मिश्र, थाना प्रभारी बेलीपार संतोष कुमार सिंह, चौकी इंचार्ज पिपरौली संजय सिंह, चौकी इंचार्ज नौसड़ विनय मिश्रा, प्रताप नारायण सिंह, दिलीप यादव, देवी शरण लाल, राम सिंह, समरपाल सिंह, हनुमान सिंह, पवन पांडे, चंद्रभूषण सिंह, सत्यपाल सिंह, मोहन सिंह सहित क्षेत्र के अनेक संभ्रांत लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए आईजी जयनारायण सिंह ने कहा, किसी को खाना जाता था।
कॉर्पोरेट पार्क कब ऊँचा है, कब ऊँचा बनाना है। अच्छा ठीक है, उसी के हिसाब से ठीक है। इसमें मैंने फोन किया था तो अच्छा दो कमरा था। हाँ भैया हो गया, और शाम में इतनी जगह कहाँ होती है, और शाम से ज़्यादा जगह होती है। हम आए थे तो उसके संस्था के लिए जो है जगह उपलब्ध है, जहाँ जो मॉडल खाने बनते हैं जैसे और सार्वजनिक संस्था के लिए वो जो किया था कि अलग अलग थी भाई, चाहते थे रामगढ़ साल वाली डिपेट कर रहे हैं, ये जमीन है बन रहा है, दोनों दोनों भी ये जो जमीन का चिट्ठी मिली है उसी जमीन की चिट्ठी मिली है। ठीक है, बनाने के लिए भी प्रदर्शन के लिए दिया है, सब ठीक हो गया, सब जुड़ा सर सर। हाँ बहुत बढ़िया, नॉर्मल उसमें इतनी जगह, हाँ इतना हमने नहीं मिल पाता है। हम लोग प्रश्न करते हैं एरिया फैमिलाइजेशन बहुत जरूरी होता है, और आज मुझे इस चीज़ की संतुष्टि है कि जैसे हम लोग आज इससे उपयुक्त जगह इसलिए नहीं होगी कि हमने जो है ऑलरेडी जो है ब्लॉक की बिल्डिंग उपलब्ध है, जमीन भी आगे के निर्माण के लिए भी यहाँ काफ़ी उपलब्ध है, तो हम यही अपेक्षा करते हैं। अब विशेष रूप से जैसा कि अभी बताया गया कि हमारे गीजा के अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, और मेरा ये रहा कि जो है वैसी इस बिल्डिंग में काफ़ी कुछ चीज़ें जो पुलिस की आवश्यकताएँ होती हैं, पिछले एक महीने में मुझे डेट नहीं याद है, लेकिन मैंने ये 15 तारीख उस समय डिसाइड कर दिया था, पहले 2 अक्टूबर गांधी जयंती जी के समय ये निर्धारित हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि ये समय कम है, मैं एक हफ्ते पहले 2 अक्टूबर के यहाँ आया था, मुझे नहीं लग रहा था कि इतने कम समय में जाते हैं, कि कोई भी काम होता है इसके छत के बीच की मरम्मत की जरूरत थी, लेकिन सब आज हम हमारे थानाध्यक्ष का कार्यालय, इसके अलावा हमारे कर्मचारियों को कम से कम पुलिस वाले, जैसा आप सभी जानते हो पुलिस का दूसरा पक्ष जरूर रहता है, लेकिन हम लोग किस कितने विषम परिस्थितियों में पता नहीं रहते हैं, मतलब हमारे कर्मचारी विशेष रूप से रहते हैं, हमारे जो सिपाही हैं मुख्य आरक्षी हैं, कैसे जहाँ पर न बिजली होती है, पंखे होते हैं, न बैठे हैं, बर्फ की जो हालत कभी कभी, अभी कुछ दिन पहले SSP साहब ने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया उन बैरकों की जो हालत है, उसके बारे में यहाँ पर हम जितना कम कहा जाए उतनी अच्छी बात है, जैसे पुरानी बिल्डिंगे हैं हम लोग प्रयासरत अवश्य हैं, लेकिन जैसा आपको मालूम है कि नई बिल्डिंग बनाना आसान है, पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त करके उसमें निर्माण कराना बड़ा जटिल प्रक्रिया होती है, PWD से लेकर के उसका मूल्यांकन से लेकर के प्रॉब्लम इसलिए होती है, लेकिन तब भी हम लोग काफ़ी हम लोग का पिछले जब से हमारे SSP साहब और हमारे DM साहब और पूरी टीम लगी हुई है, इसी का एक फायदा मिला कि आपने केवल 2 थाने का ही नहीं सृजन हुआ, पिछले इसी 2019 में आपको मालूम होगा कि एक महिला बटालियन भी जो फर्टिलाइजर है वहाँ पे एक महिला बटालियन, और उसके साथ साथ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल 26वीं बटालियन में आपको मालूम है 5 एकड़ में इतने सीनियर अधिकारी वहाँ पर DG रैंक के अधिकारी तक जो है पोस्टेड रहे हैं जयतरना, तो PDS केवल 5 एकड़ में जो है बहुत दिनों से चल रहा था, तो उसके लिए भी जाते हैं 30-30 एकड़ करीब जो है जमीन उपलब्ध हो गई है, कार्यदायी संस्था भी नियुक्त हो गई है, उसका जो है घेराबंदी भी जिसमें सीमांकन भी हो चुका है, तो 2019 इस रूप में गोरखपुर के लिए अन्य विकास के साथ साथ जो है ये भी पुलिस विभाग के लिए इस रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग जो है केवल 2 थानों का ही नहीं सृजन, इसी के साथ साथ जो अपना 2 एक महिला बटालियन और एक PDS भी, जैसा आपको मालूम है एक महिला बटालियन या किसी भी जैसा आपको मालूम है बटालियन में कम से कम 1000 कर्मचारी जो होते हैं, और आपको मालूम है जहाँ 1000 कर्मचारी रहेंगे परिवार रहेगा, आसपास उसका विकास इस रूप में होता है कि जो स्कूल्स होते हैं कॉलेज होते हैं आसपास जाते हैं, जो सब्जी होती है आम आवश्यकताएं की जो चीज़ें होती हैं
वो पूरा इलाका ही एक नाई आता है मेरे पास 26 बटालियन का, उसने कहा था डेढ़ गुना वहाँ जमीन वहाँ की कीमत की हो गई है। आज जो सामने खेत दिखाई दे रहा है, हम लोग आज एडीजी हैं, सीनियर लेवल पे जाते हैं, जब भी कभी आएंगे तो आपको 3 साल बाद यहाँ जो खेत दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं लगता एक भी जमीन बचेगी जो है, एकाएक जाते हैं इसका भी अगर आप ये निकालिए। जब मूल पुलिस का काम है, आप खुद महसूस करते होंगे जाते हैं कि अब इतनी चीज़ों का हमको करना था कि हम लोग की भी एक प्राथमिकता है कि हमारी जो पुलिस लाइन की बाउंड्री खराब है, बैरिकें खराब हैं, इतनी चीज़ें एक साल में करनी थी जाते हैं कि अभी बहुत कुछ चीज़ें रह गई हैं। हमारे यहाँ के जो साहब, ये बहुत अच्छा मौका है और ये वर्षों तीसियों साल में ऐसा होता है कि नए थाने बहुत मुश्किल से नए थाने खुलते हैं। आज एक नया थाना आपको जनता के लिए समर्पित किया जा रहा है और इसमें जनता का ही सहयोग है, जनता के अप्रोच में उनको आने में दिक्कत ना हो इसलिए थानों का बंटवारा करते हैं। एक थाने में ज़्यादा FIR लगने लगती है तो उससे संभालना बहुत मुश्किल होता है। सजनवा थाने से हमने इसमें हिस्सा निकाला, डेली थोड़ा हिस्सा निकाला और एक नया थाना बनाया है और हमें उम्मीद है कि जनता की उम्मीदों पर ये खड़े उतरेंगे। हेडक्वार्टर की तरफ से, जिला पुलिस की तरफ से इस थाने पर विशेष दृष्टि रहेगी क्योंकि नए नए बना है और कोई सी किस्म की कोई जो जरूरत होगी, चाहे वो मैन पावर है, लॉजिस्टिक है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम लगातार इस पर निगरानी रखेंगे और हमें उम्मीद है जनता हमें इसी तरह से प्यार और सहयोग देती रहेगी और हम आगे से आगे बढ़कर आपकी सेवा करते रहेंगे। और मैं एक बार फिर से सभी जनता का, सभी अधिकारियों का धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी दो थाने गीडा और रामगढ़ ताल थाने का जैसे शासन ने सृजन किया हुआ था, उसके उपरांत हमारी गोरखपुर की टीम, यहाँ के जो SSP साहब हैं और SPCT और ASP सभी लोगों ने मिल करके जाते हैं बड़े कम समय में और यहाँ के जो थानाध्यक्ष जो नियुक्त हुए लगभग एक महीने के दौरान ही इन्होंने जाते हैं ये जो नई बिल्डिंग आज जो पिपरौली ब्लॉक जो पूर्व हुआ करती थी यहाँ पर आज प्रारंभ हो रहा है और इतने कम समय में ही हमारी टीम ने जाते हैं। जैसा आपको मालूम है एक CCTNS के तहत थानों का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी भारत सरकार से प्राप्त होती है, वो प्रक्रिया भी यहाँ पूरी कर ली गई है और अभी कतवाई जनपदों में लगभग 6 महीने का समय लग जाता है लेकिन यहाँ 2 माह के अंदर ही केवल थाने का यहाँ पूरी व्यवस्था ही नहीं सुनिश्चित हुई है बल्कि FIR का रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो गया है, विवेचनाएँ भी जाते अब यहीं से होंगी और ये भी हम आपको आश्वस्त कि 1 महीने के अंदर कार्यदायी जो संस्था है जो कि जो है नए थाने का सृजन इसी प्रांगण में करेगी। पीछे आपने देखा होगा काफ़ी जगह हैं यहाँ पर जाते हैं, फुल फ्लेज थाने की बिल्डिंग भी तैयार होगी और हमें उम्मीद है जाते हैं कि लगभग 1 साल के अंदर फुल फ्लेज हमारी बिल्डिंग भी यहाँ पर तैयार हो जाएगी जिससे कि जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी जो आवासीय व्यवस्था है, उनके जाते हैं बैरक की जो व्यवस्था है, ये सब भी यहाँ पर जो है उपलब्ध हो जाए। हाँ, जैसा कि इसमें हमारे जो प्रशासनिक अधिकारियों ने, विशेष रूप से हमारे जो कमिश्नर साहब हैं और जिलाधिकारी ने, इन्होंने पुलिस को सहयोग करते हुए दोनों थानों की जो है ज़मीन भी उपलब्ध करा दी। नहीं, कभी कभी होता है थाना का सृजन होने के बाद भी जो है ज़मीन नहीं उपलब्ध हो पाती है, जाते हैं कई जनपदों में इस तरह की समस्या आती है लेकिन ज़मीन भी उपलब्ध करा दी गई है और एक जैसा आपको भी जानकारी है कि एक और थाना प्रक्रिया में है, एम्स का थाना भी जाते हैं, लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही इसका समस्त प्रपोजल जाते हैं शासन में भेज दिया जाएगा और हमें उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर एक और नया थाना जिसमें एम्स और आपका से लेकर के जाते हैं आपको जगदीशपुर जो चौकी है और कंप्लीट जो हाईवे है जाते हैं वहाँ तक उस एरिया में जो है कवर किया जा रहा है और इस तरह जाते हैं यह पहली बार इतने कम समय में जाते हैं 3 थाने का जो है सीजन और जिससे जनता को काफ़ी इसमें सुविधा भी मिली जाते हैं और जैसा कि यहाँ पर हम सभी जानते थे कि यहाँ का जो कैंट थाना था, खोराबार थाना था और उसी के साथ साथ सजनवा, इसका बहुत लंबा एरिया
अपना हो गया था, काफ़ी आबादी भी आ गई थी, काफ़ी यहाँ पर जाते हैं विकास भी हो गया था, लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी जाते हैं। इसको देखते हुए जाते हैं अब काफ़ी नौसर चौकी जैसा हम सभी जानते थे ये बेलीपार थाने में पड़ता था जो कि एकदम उल्टा रास्ता पड़ता था, तो उस सबकी सहूलियत अब जनता को जो है प्राप्त होगी। लोग अपने एरिया में अपने थाना के जो नज़दीक दूरी हो जाएगी, सहूलियत भी हो जाएगी। हमें भी पुलिस में भी जाते हैं कम एरिया होने के कारण, कम आबादी होने के कारण जाते हैं जो है क्राइम और जाते हैं लानाडा भी सुधारने में जो है काफ़ी सहयोग मिलेगा।